आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस। आज हम चर्चा करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज से BSc नर्सिंग कैसे करें। सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आर्मी BSc नर्सिंग 2021 का नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2021 को जारी हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म 17 फरवरी 2021 से भरना प्रारंभ होगा तथा 10 मार्च 2021 इसका लास्ट डेट है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। BSc नर्सिंग कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट प्रत्येक साल होती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कंडक्ट की जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट https://joinindianarmy.nic.in/index.htm पर जाएंगे और उस पे ऑफिसर्स इंट्री अप्लाई /लॉगिन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए सभी कैंडिडेट को ₹750 फीस लगेगी। आर्मी BSc नर्सिंग 2021 का एग्जामिनेशन जो मोड होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। इसमें फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो MCQ होगा, सेकंड फेज में इंटरव्यू होगा, थर्ड फेज में मेडिकल टेस्ट होगा और फोर्थ फेज में मेरिट लिस्ट दी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि सीट कितनी होती है। तो पूरे भारत में 6 नर्सिंग मेडिकल कॉलेज हैं जो पुणे, कोलकाता, अश्विनी, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर में है। ये सभी मिला के जो है आपको 220 सीट हैं। जैसे AFMC पुणे, इसमें 40 सीट्स हैं। CHEC कोलकाता, इसमें 30 सीट हैं। INHS अश्विनी, इसमें जो है 40 सीट है। AHR&R न्यू दिल्ली, इसमें 30 सीट है। CHCC लखनऊ, इसमें 40 सीट्स हैं। और CHAF बेंगलोर, इसमें 40 सीट्स हैं। तो सभी मिला के आपको 220 सीट्स जो हैं भारत में है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कीजिए, फर्स्ट अलॉटमेंट्स बेसिस पे जो है आपको सेंटर मिलेगी। अब सेंटर की जो बात करेंगे, जो सेंटर है आगरा, जालंधर, दानापुर, जयपुर, भोपाल, जबलपुर, सिकंदराबाद, नामकुम, अंबाला, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, एजिमाला, बराकपुर, जम्मू, झांसी, पुणे, चांदी मंदिर, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, किरकी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, गुवाहाटी, कानपुर, मेरठ, देहरादून, लखनऊ एंड दिल्ली। ये लगभग 30 सेंटर है। अब 30 सेंटर में क्या है कि जो अगर सेंटर धीरे धीरे भरते जाता है, जो सेंटर पूरा भर गया उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते उस सेंटर के लिए। तो ये जो 30 सेंटर है, 30 सेंटर पे जितना भी सीट है एप्लीकेंट को एग्ज़ाम देने का, अगर वो फुलफिल हो गया तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्फर्मेशन इनकम्प्लीट ही फॉर्म रह जाएगा क्योंकि आपको सेंटर नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे ही जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर लें, जिससे आपका फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भरा जाएगा और आपको सेंटर मिल जाएगी। अब जो बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है। तो ऐसे इसके लिए तो फर्स्ट है कि जो भारत का जो नागरिक होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा क्या है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स भर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के में जो है वो भी जो अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, लीगल सेपरेटेड हैं या विडो हैं, यही जो है आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है, 1 अक्टूबर 1995 से 13 सितंबर 2003 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या बोर्ड से हो, इसमें आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास हो, बायोलॉजी बोटनी जूलॉजी भी होते हैं, बायोलॉजी में दोनों मिक्स बोटनी जूलॉजी, तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ आप मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड इस बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, इसमें एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड यूएसजी होता है, उसमें एब्डोमेन और पेल्विस का भी होता है। मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया का है या गढ़वाल से हैं या कुमाऊं क्षेत्र के हैं तो उनको जो है 148 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है कि जो है ऑनलाइन मोड एग्जाम होगी। टोटल टाइम जो है 90 मिनट्स की आपको पेपर पेन टेस्ट के लिए पेपर के लिए होगा। जो आपको ऑनलाइन टेस्ट होगी उसके लिए आपको 19 मिनट्स दी जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो एग्ज़ाम होगी इसमें जो है आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें सिलेबस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस जो सिलेबस होगा उसमें नंबर सीरीज होगा, फिगर पैटर्न होगा, क्यूब्स एंड डाइस होगा, एनालॉजी होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, लॉजिकल वेन डायग्राम होगा, डायरेक्शन होगा, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस होगा, नंबर रैंकिंग होगा, फिगरेटिव क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ब्लड रिलेशन होगा, अरेंजमेंट होगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ये सभी मिला के आपको जो है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। इंग्लिश का जो आपको सिलेबस होगा उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, एरर करेक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, पैरा कलेक्शन, ज्वाइनिंग सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, इस ये जो है इंग्लिश का आपको सिलेबस होगा। बायोलॉजी का जो सिलेबस होगा, बायोलॉजी के सिलेबस में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन्स, इकोलॉजी, टेरिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी, अल्गी, फंगी, प्लांट डिजीज, वायरस, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, प्लांट सक्सेशन, ये जो है आपको बायोलॉजी का सिलेबस है। अब फिजिक्स का जो सिलेबस पूछेगा उसमें जो है एटॉमिक मोलेकुलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड, क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविटी, ये जो है इसका सिलेबस है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जनरल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिसिटी, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मोलेकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सरफेस केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिडक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स, पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन, अर्थ मेटल,
हेलोरेंस, अल्कोहल, हेलोकेंस, एल्डिहाइड्स, फेनॉल्स, कीटोन्स, ईथर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिल एसिड, केमिकल इन एवरी लाइफ, बायो मोलिकुल्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एमएस। ये जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है। इस ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू दिया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होती है। मेडिकल टेस्ट के बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपको एडमिशन के लिए कॉल किया जाता है। जब आपको एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा वो जो पहला होगा वो आधार कार्ड होगा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आप NCC से हैं तो NCC सर्टिफिकेट लगेगी। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको एडमिशन के वक्त आपको लगेगी। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और आपका एडमिशन हो। अगर आप चाहते हैं कि आप BSc नर्सिंग आर्मी के कॉलेज से करें तो ऑल द बेस्ट, आप फॉर्म भरें और तैयारी करें। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।